हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये स्कॉर्पियो है हमारे पास में और इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, और स्टार्ट कर दिखाता हूँ आपको। कर रही हो भैया? स्टार्ट करियो, दोबारा मारियो सेल्फ। तो अभी तो नहीं हो रही है, मतलब ये कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है, और हो जाती तो स्टार्ट हो जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और आप बस करो, और इसका हमने डीजल वगैरह सब चेक करा, आपको दिखाता हूँ। डीजल वगैरह सब अंदर पड़ा होगा, ये देख सकते हैं आप, डीजल वगैरह सब पड़ा हुआ है इसमें। डीजल वगैरह में तो कोई पंगा नहीं है, इसको एक बार स्कैन करके देखते हैं कि स्कैनिंग में क्या फॉल्ट फॉल्ट दिखा रहा है इसमें, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो रही है। लो दिया स्कैनर, तो इसमें स्कैन करते हैं, पहले स्कैन करके देखते हैं क्या पंगा आ रहा है। तो हमारा लॉन्च कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर चाबी ऑन है, तो दोबारा ऑफ करके ऑन करते देखते सारी लाइट हमारी आ रही हैं प्रॉपर। इशू लॉक तो नहीं है, इशू लॉक होता हमारी चेक लाइट ब्लिंक करती है, तो इशू लॉक तो नहीं है हमारा, चेक लाइट वगैरह सब आ रही है। तो इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करके देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। तो जाएंगे डायग्नोस प्रो पे, ये हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो है, एशिया में जाएंगे महिंद्रा इंडिया। ओके, जाएंगे वीकल सिलेक्शन में, पैसेंजर पे स्कॉर्पियो, ये हमारी एलेक्स है, सिस्टम सिलेक्शन रीड फॉल्ट कोड। तो इसमें फॉल्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, वैसे क्रैंक वगैरह का भी आ रहा है, तो क्लियर मारते हैं, दोबारा रीड मारते हैं फॉल्ट कोड। तो ये तो हिस्ट्री में है, इसको भी क्लियर मारते हैं दोबारा से, दोबारा रीड फॉल्ट कोड करें। इसका कोई मतलब नहीं है, गाड़ी स्टार्ट ना हो मैक्सिमम लिमिट का। गाड़ी स्कैन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो दोबारा ईसीएम में जाएंगे, इसको लाइव डाटा में इसका पहले क्रैंक सेंसर देखेंगे, क्योंकि इसमें क्रैंक का फॉल्ट आ रहा था करंट में। तो सेंसर पे जाते हैं, कंफर्ट इंजन स्पीड जो है क्लिक करके देखेंगे जी। यहाँ पे दिखा देता आपको इंजेक्शन का, ओवरहीट का, स्टार्टिंग से लीड कौन कौन से क्लिक करने हैं, स्टार्टिंग लीड हमें क्लिक करने, इंजन स्पीड पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आरपीएम उठ रहा नहीं उठ रहा, क्या हुआ? तो इसका आरपीएम बिल्कुल जीरो पड़ा है, यहाँ पे आरपीएम इसका उठना चाहिए, जो कि बहुत देर में इसका आरपीएम उठ रहा है। ये 250 पे 300 पे पहुँचती है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे 250 300 बनेंगे गाड़ी हमारी स्टार्ट की पोजीशन पे पहुँचेगी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं हो रहा है। तो इसका तो इसमें हमने क्रैंक सेंसर की वायरिंग भी चेक करी थी और उसमें फॉल्ट जो आ रहा था, मगर क्रैंक सेंसर की वायरिंग में तो कोई मसला नहीं है। एक बार क्रैंक सेंसर चेंज करेंगे, जो हम लेके आए हैं दूसरा वाला, क्रैंक सेंसर कहाँ है दूसरा? ये दूसरा हमारे पास में, और ये गाड़ी में लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पे लगा होता है इसका क्रैंक सेंसर। तो इसका क्रैंक सेंसर सीधा चेंज करेंगे, क्योंकि वायरिंग तो चेंज कर रखी, वायरिंग में कोई मसला नहीं है। निकालो, लो चेंज करो सेंसर, चेंज करके देखो, साफ कर लेना सर। कभी कोई ऐसा होता है, कभी फॉल्ट नहीं दिखाता क्रैंक सेंसर का है, और जिसके वजह से मगर क्रैंक सेंसर भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें उसमें जब रीडिंग देखेंगे उसमें 250 300 बनता नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रैंक सेंसर ही नहीं काम कर रहा हमारा। तो क्रैंक सेंसर चेंज करके आपको दिखाते हैं अभी, ये क्रैंक सेंसर खोल लिया इसका हमने, दूसरा लगाएंगे इसमें। कोई वायर वगैरह तो ब्रेक नहीं दिखाई दे रही हमारे को, देखो ये बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं है, होल तो नहीं है, देखें यहाँ ब्रेक पॉइंट होता है, पॉइंट कोई दिक्कत ना। तो क्रैंक सेंसर लगा दिया हमने इसमें दूसरा, और सेल मारेंगे इसमें, मारो सेल। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, दोबारा बंद करना नाजिब, दोबारा स्टार्ट करना गाड़ी को, मारना सेल, ठीक है। और दोबारा आपको लाइव डाटा पे इसका आरपीएम दिखाता हूँ, क्योंकि आरपीएम हमारा शुरुआत में नहीं उठ रहा था, देख लो सारे नोटिफिकेशन करते हैं। और इसका जो है आरपीएम दिखाता हूँ, अभी स्टार्ट पे हमारा 800 900 रहेगा। गाड़ी करता हूँ बंद, इग्निशन ऑन है हमारा, इंजन स्पीड सिलेक्ट है, ओके करेंगे, तो सीधा सेल्फ मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। जैसे मैंने आपको बताया 150 200 250 पहुँचते ही गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम 250 होना चाहिए।
तो स्टार्टिंग पोजीशन पे 800 850 आरपीएम इसके रहते हैं। रीड फोल्ड कोड करेंगे, गाड़ी में क्या रीड फोल्ड कोड आ रहा है, क्रैंक का फोल्ट आ रहा है क्योंकि क्रैंक सेंसर चेंज करा था हमने, जिसकी वजह से सिग्नल के दिखा रहा है। यस ओके कंप्लीट। तो अभी भी क्रूज कंट्रोल का आ रहा है, तो क्रूज कंट्रोल का यूँ आ रहा है, हमारा जो पत्ता ख़राब है इन्होंने भैया ने हॉर्न लगा रखा है यहाँ से अलग से ही, क्रूज कंट्रोल का पत्ता चेंज करने बाद में हमारा ये भी फोल्ट चला जाएगा। और तो ये हमारे नाजिर भाई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी मैकेनिक हैं, तो कभी भी आपको अभी काम कराना हो किसी मैकेनिक का इंजन विंजन जो भी हो, तो और लोगों से आपको अच्छे रेट में काम करके देंगे और बहुत अच्छा काम करके देंगे। तो इनसे आप एड्रेस पता कर लीजिए कि एड्रेस कहाँ का बता रहे हैं ये। शाहजहाँपुर LIC बैक साइड में किचन मोटर, किचन मोटर पे। तो इनके पास में सारा काम होता है, टोटल हमारा मैकेनिकल होता है, डेंटर पेंटर सब सारी काम होता है। तो कभी को मौका मिले तो आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें और एक बार काम करा देखें, आपको जायज़ रेट पर और अच्छा काम मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।